नेवी की तरफ से अभी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के बदले 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम को जल्दी से अप्रूव करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया गया है। मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो के बाद डीआरडीओ की तरफ से अभी एक फ्लाइंग टॉर्पेडो को डेवलप करने का प्लान किया गया, जिसको 20,000 फीट की ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। कुछ नेटो कंट्री की तरफ से अभी भारत को नेटो में शामिल करने का विचार किया जा रहा है, लेकिन क्या भारत नेटो में शामिल होने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर क्या नुकसान होने वाले हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अभी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक सेशन लेटर भेजा गया, जिसमें दोनों देशों के बीच अपने रिलेशन को बेहतर करने की बात की गई है। और इसी महीने के अंत तक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक और इंपोर्ट बैन लिस्ट को पेश किया जाने वाला है, जिसमें अमुनिशन से लेके एयरक्राफ्ट तक को भी बैन लिस्ट में डाला जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से भी इंडियन गवर्नमेंट को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को जल्दी से जल्दी खरीदने के लिए अप्रूवल देने के लिए या फिर ऑफिशियल वे में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। साउथ ब्लॉक की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी कंबाइंड कमांडर मीटिंग के दौरान ही बताया गया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी को काउंटर करने के लिए जल्दी से नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत पड़ने वाली है और इसके लिए इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले सबसे पहले न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट को तैयार करने का फैसला किया जा रहा है। नॉर्मली जो कन्वेंशनल अटैक सबमरीन होते हैं उनकी रेंज लिमिटेड होती है और अभी हमारे पास ज्यादा मात्रा में मॉडर्न सबमरीन मौजूद नहीं है। अभी बस कलवारी क्लास की 3 ही सबमरीन को शामिल किया गया, लेकिन उसमें भी AIP सिस्टम ना होने की वजह से इनकी फुल पोटेंशियल को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अभी इंडियन नेवी की तरफ से बस एक ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसका नाम INS चक्र है और इसको 2012 में रशिया से 10 साल के लीज पर लिया गया था। अभी हम एक और न्यूक्लियर सबमरीन को भी रशिया से लीज पर लेने वाले हैं, जिसको 2025 तक इंडिया को डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा INS चक्र 2 की लीजिंग पीरियड को भी एक्सटेंड करने की कोशिश किया जा रहा है। पर इसी बीच नेवी अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन को भी आगे चल के बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बनाया जाएगा और इसके अंदर भारत के पास अभी कई ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि भारत अभी रशिया के साथ मिलकर इन सबमरीन को डेवलप कर सकता है, फ्रांस के साथ मिलकर इन सबमरीन को डेवलप कर सकता है या फिर यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर भी इनको डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर भारत इनको किसी फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप करने के लिए जाता है तो इसमें फ्रांस के चुने जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पर रशिया के साथ भारत इनको डेवलप करने की कोशिश करता है तो उस डील के ऊपर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन लगने का खतरा थोड़ा बना हुआ है। वैसे नेवी की इन हाउस डिजाइन ब्यूरो की तरफ से भी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन के कुछ डिजाइन को बनाया गया था, जिसकी कुछ इमेजेस को पास में पब्लिश किया गया था। इनके बारे में भी ज्यादा डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन ये 12,000 से 13,000 टन क्लास की सबमरीन होने वाले हैं और बहुत सारे लोग इनको INS अरिहंत क्लास के सबमरीन जैसे समझते हैं, लेकिन ये असल में उनके मुकाबले दिखने में और ऑपरेशन में काफी अलग होने वाले हैं। अगला अपडेट फ्लाइंग टॉर्पेडो को लेके है। आप सबको पता होगा कि DRDO की तरफ से कुछ महीने पहले एक सुपरसोनिक टॉर्पेडो को डेवलप करने की बात सामने आई थी, जिसका नाम स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पेडो रखा गया था, जो कि एक नॉर्मल टॉर्पेडो के मुकाबले काफी दूरी तक मार कर सकता था। इसमें टॉर्पेडो को एक मिसाइल के अंदर फिट किया गया था, जिसको लॉन्च करने के बाद मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड में अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है और टारगेट के करीब जाने पर टॉर्पेडो को रिलीज कर देता है, जिससे इस टॉर्पेडो को वेट करने के लिए टाइम काफी कम बचता है और इसे 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी DRDO की तरफ से एक और नई टॉर्पेडो को डेवलप करने की बात सामने आई है, जिसका नाम फ्लाइंग टॉर्पेडो रखा गया है। इसे DRDO की तरफ से एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है और मेनली इसे हमारे सबमरीन अटर एयरक्राफ्ट जैसे कि P-8I जैसे प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करने के लिए DRDO अभी इसको डेवलप कर रही है। इसे लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि P-8I जैसे एयरक्राफ्ट इसको आसानी से दुश्मन के सबमरीन के ऊपर निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके लिए DRDO की तरफ से अभी अपनी एडवांस लाइट टॉर्पेडो सेन्या को मॉडिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए एक अलग सी आर्डन किट को भी बनाया जा रहा है, जिसको इस टॉर्पेडो में फिट किया जाएगा और एक तरीके से टॉर्पेडो की विंग्स की तरह काम करने वाले, जो कि इसको किसी भी एरियल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के बाद ग्लाइड करके आगे जाने में मदद करने वाले हैं। नॉर्मली जो मिसाइल्स होते हैं उनके पास खुद का प्रोपेलेंट होता है, जो उनको एयर में ट्रेवल करने के लिए थ्रस्ट देते हैं, लेकिन टॉर्पेडो के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है और ये पानी में पहुंचने से पहले अपने दम से आगे नहीं जा सकते। इसी वजह से अगर इसको किसी एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जाता है तो ये सीधे नीचे गिरने वाले, पर इस नए आर्डन की मदद से या ग्लाइडर की
रॉकेट की मदद से यह लगभग 10 मिनट तक ग्लाइड कर सकता है, और अगर इसे एक रेफरेंस के तौर पर 20,000 फीट की ऊंचाई से लॉन्च किया जाता है तो यह पानी में गिरने से पहले लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक ग्लाइड करके जा सकता है, और उसके बाद भी टॉर्पेडो अपने दम पर 20 किलोमीटर तक अपने टारगेट का पीछा कर सकता है। कुल मिलाकर इस टॉर्पेडो की रेंज 45 से 50 किलोमीटर तक होने वाली है। इसमें अभी जो नई ग्लाइडर किट को ऐड किया गया, इसमें एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, GPS INS नेविगेशन सिस्टम और एक इनबिल्ट पावर सिस्टम भी दिया गया, और आगे चल के इसकी मदद से हमारे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट काफी लंबी दूरी से ही दुश्मन की सबमरीन्स को निशाना बना सकते हैं। अगला अपडेट नेटो की तरफ से है। पिछले साल एक खबर सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अभी नेटो कंट्रीज की तरफ से इसमें भारत को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, और आगे चल के इसमें फॉर्मली भारत को भी शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाने वाला है। वैसे अभी भारत धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट की तरफ जाने लगा और यूएस और भारत का डिफेंस रिलेशन अभी काफी मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ नेटो की यूरोपियन ओरिजिन स्ट्रांग मेंबर जैसे कि फ्रांस अभी भारत को इसमें शामिल करना चाहता है, और इसी साल जब नेटो की लीडर्स की एक मीटिंग को अरेंज किया गया है उस दौरान भी भारत को नेटो में शामिल करने को लेकर सीरियस डिबेट होने जा रहा है। अब यहाँ पर चाइना के साथ चल रही तनाव की वजह से भारत हो सकता है नेटो में शामिल होने के बारे में सोच सकता है, लेकिन इसके कुछ प्रोज और कॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे कि नेटो को मेनली रशिया को काउंटर करने के लिए और उस वक्त के सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, तो अगर भारत इसमें शामिल होता है तो इससे भारत और रशिया के रिलेशन काफी खराब हो सकते हैं। या फिर अगर एक बार को भारत नेटो में अपनी न्यूट्रल ट्रेडिशन को रखकर भी शामिल होता है और सिर्फ नेटो कंट्रीज के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने तक या फिर डिफेंस रिलेशन को मेंटेन करने तक ही इसको सीमित रखता है, उसमें भी हो सकता है रशिया भारत से नाराज होने वाला है। एक और दिक्कत यह भी है कि कुछ नेटो मेंबर्स हैं जो कि भारत को इसमें शामिल करने से अपोज कर रहे हैं। अभी फिलहाल नेटो की नेक्स्ट मीटिंग के दौरान इसको लेकर डिटेल डिस्कशन होने जा रहा है जिसमें भारत को नेटो मेंबरशिप को ऑफर करने की बात की जाएगी। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर, और यकीन मानिए आज हम एक भी नेगेटिव न्यूज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। वैसे नॉर्मली भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों से तनाव एकदम पीक पर रहा था, जिस वजह से हमको दोनों तरफ से हमेशा से ही स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट देखने को मिलते थे जो कि काफी हेटफुल होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के साथ बेहतर रिलेशन को मेंटेन करने को लेकर बातचीत किया जा रहा है। उनकी पीएम इमरान खान की तरफ से सबसे पहले से स्टेटमेंट दिया गया था, फिर उसके बाद उनके आर्मी चीफ के तरफ से भी पीस टॉक को शुरू करने के लिए कहा गया था, और जो अब तक पास्ट में हुआ था उन सभी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की बात की गई थी। अब इसमें भारत को भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर पाकिस्तान सच में भारत के साथ दोस्ती चाहता है तो ये भारत के इतिहास में है कि दोस्ती वाला हाथ हम कभी ठुकराते नहीं। लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है जहां पर हमारे पीठ में छुरा घोपा जा चुका है, लेकिन इस बात को थोड़ा इग्नोर करके पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन को बनाने के लिए भारत ने बस एक ही शर्त रखा था कि अगर पाकिस्तान सूरों का साथ छोड़ देता है और उनको सपोर्ट नहीं करता है तो हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, और जो भी हमारे बीच पेंडिंग इशू पड़े हुए उनको लेके हम बातचीत कर सकते हैं। और अभी आर्मी की तरफ से भी ये बताया गया था कि जब से LOC में सीज फायरिंग को लेके नया अग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बाद से एक भी कोई सुअर जो है वो LOC क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जैसे कि पाकिस्तान कुछ हद तक भारत का डिमांड पूरा कर रहा है तो भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, और अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक लेटर लिखा गया है जिसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान डे के अवसर पर उनको बधाई दी गई है, और साथ ही एक दूसरे के बीच ट्रस्ट को डेवलप करना और साथ मिलकर आतंकवाद का विरोध करने को लेके एक प्रपोजल दिया गया। जैसे कि अभी पूरे दुनिया भर में सभी लोग चाइनीज रायते से परेशान है और लगभग सभी देशों को इस वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भारत की तरफ से पाकिस्तान को और उनकी सरकार को इस मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तारीफ किया गया, और हो सकता है भारत की तरफ से इसमें पाकिस्तान को आगे चल के मदद भी किया जाएगा। हाल ही में ये खबर सामने आया था कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चाइनीज रायते के चपेट में आ गए थे, तो इसके लिए भी हमारे तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी की कामना की है। अगला अपडेट डिफेंस इंपोर्ट को लेके, आप सब जानते हैं कि अभी भारत अपनी आत्मनिर्भर प्रोग्राम को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और इसमें डिफेंस इक्विपमेंट सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अभी एक नई इंपोर्ट बैन लिस्ट को तैयार किया जा चुका है जिसे इसी महीने के अंत तक शायद पब्लिश किया जाएगा, और इसमें काफी सारे नए डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट बैन लिस्ट में ऐड किया जाने वाला है। इसके बारे में भी ऑफिशियली कुछ हद तक खबर सामने आ चुकी है जिसमें ये बताया गया है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और डिफेंस मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से अभी करीब 101 नए डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट बैन लिस्ट को तैयार किया गया है। इससे मेनली हमारे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए तैयार किया जा रहा है, और इस लिस्ट में एमुनिशन से लेकर एयरक्राफ्ट तक को भी शामिल किया गया है। इसे आप इंपोर्ट बैन लिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको पॉजिटिव लिस्ट ऑफ इंडियन नेशन का नाम दिया गया है, यानी कि इसमें जिन जिन इक्विपमेंट का नाम ऐड किया गया है उनको हम आगे चल के
बाहर से खरीदने के बदले खुद ही बना के इस्तेमाल करने वाले। इसमें अम्यूनिशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है और लगभग सभी मेजर अम्यूनिशन को भारत के अंदर ही बनाने का एम रखा गया है। और इसके लिए अभी कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइन को भी दिया जाएगा जिसके अंदर सभी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से इन सभी सिस्टम को भारत में मैन्युफैक्चर करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा भी इसराइल से एथोस गन को खरीदने के बदले इंडियन आर्मी की तरफ से ATAGS को खरीदने का फैसला किया गया और जल्दी से जल्दी आपको इसको लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें सुनने को मिलने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना को लेके है। आप सबको पता होगा कि कई बार ऐसे रिपोर्ट सामने आ चुके हैं जहां पर ये बताया गया है चाइनीज आर्मी के ज्यादातर सोल्जर पीस टाइम डिजीज से गुजर रहे हैं और वो किसी भी तरह की इंटेंस फायर फाइटिंग के लिए तैयार नहीं होते। इसी वजह से चाइना की तरफ से रेगुलर इंटरवल में मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का निर्णय लिया गया था। अभी चाइना की तरफ से इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। ग्लोबल टाइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी अपने सोल्जर्स को VR एनवायरनमेंट में कॉम्बैट ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है। अब VR क्या है लगभग आप सभी जानते हैं, जिसमें एक आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन को क्रिएट किया जाता है और इसमें मैक्सिमम फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का एहसास भी किया जा सकता है और किसी भी VR प्लेटफॉर्म में हम एकदम रियलिस्टिक सिनेरियो को अनुभव कर सकते हैं। अब चाइना की तरफ से अभी इसी टेक्नोलॉजी को बेस करके अपने जवानों को ट्रेनिंग देना और मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है, जहां पर चाइनीज सोल्जर्स को VR हेडसेट और गॉगल्स पहनाकर एक सिमुलेटेड बैटल फील्ड में छोड़ दिया जाता है, जहां पर ये अलग अलग तरह के एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। हाल ही में ही चाइनीज नेवी की नॉर्दर्न थिएटर कमांड की तरफ से एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज को किया गया था, जिसमें चाइनीज सोल्जर्स को कुछ पाइपलाइन मैलफंक्शन को डिटेक्ट करना था और उनको फिक्स करना था। नॉर्मली ऐसे एक्सरसाइज को करने के लिए एक सिप की जरूरत पड़ती है और कुछ डॉकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसे बस एक बंद कमरे के अंदर कंडक्ट किया गया था। चाइना का कहना है कि जब किसी फील्ड एक्सरसाइज को किया जाता है उसमें वेदर क्लाइमेट ये सब काफी दिक्कतें पैदा करते हैं और कई बार अगर ये खराब हो जाए तो उसको कैंसिल करना पड़ता है, जबकि VR सिमुलेशन के साथ हमें घर के अंदर ही सभी को ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर बाहर वेदर खराब होता है तो इस एक्सरसाइज को रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और इसे सोल्जर्स को एकदम रियलिस्टिक सिनेरियो में काफी जल्द ही ट्रेनिंग दिया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आगे चल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक रियल बैटलफील्ड और VR सिमुलेशन का जो एनवायरनमेंट होता है वो दिखने में तो सही होता है लेकिन इनके बीच काफी डिफरेंस होता है। हाँ, इनिशियल ट्रेनिंग के लिए VR प्लेटफॉर्म एक सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर सीधे VR प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग करने वाले किसी बंदे को सीधे बैटलफील्ड में ले जाके छोड़ दिया जाएगा तो इसका भी वही नतीजा होगा अगर हम एक कंप्यूटर में या प्लेस्टेशन में फीफा खेलने वाले एक प्रो लेवल के प्लेयर को सीधे फुटबॉल फील्ड में ले जाके सुनील छेत्री के सामने खड़ा कर देते हैं। अब आप सब सोच सकते हैं कि मैंने सुनील छेत्री का नाम क्यों लिया है। एग्जाम्पल के नाम पर रोनाल्डो या मेसी का नाम लेता तो ज्यादा कूल लगता, लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और इंडियन फुटबॉल टीम को भी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।